तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमदबीर। आप देख रहे हैं फोटो एडिटिंग चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले कुछ इस टाइप की अंडर वाटर फोटो एडिटिंग। तो मतलब कुछ स्टेप से हम लोग पानी के अंदर में और कुछ स्टेप से मतलब हम लोग बाहर आके मतलब थोड़ा सा देख रहे हैं ऐसे। तो इस टाइप का यहाँ पे कॉन्सेप्ट होने वाला है, तो बहुत ही यूनिक सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो पहले विजय मार्जी ने अपलोड करी थी तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा था। तो ऐसे एडिट करना अपनी फोटो, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले तो फोटो एडिट करने के लिए क्या करना है आप लोग को बता देता हूँ मैं। सबसे पहले तो आप लोग ऐसे ही फोटो क्लिक करवाना है कि मतलब ऐसे खड़े हो जाइएगा और आप लोग को क्या है ना कि ऐसे पानी से ना आप लोग को अपने बालों को थोड़ा सा गीला कर लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मॉडल का है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग को फोटो क्लिक करवाना, आप लोग बिल्कुल अच्छे से क्लिक करवा लीजिएगा और कटआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, ज़्यादा ही मैंने कटआउट कर लिया हूँ क्योंकि मुझे और मतलब अच्छे से नहीं मिल पाया था। देखो मॉडल में कोई मिल नहीं रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या है आदिल भाई की मतलब फ़ोटो को ले लिया था। तो देख सकते हो मतलब ये पहले से अंडर वाटर वाली एडिटिंग थी इनकी, मतलब जो है ना फ़ोटो क्लिक करवाए थे इन्होंने, तो पानी के अंदर मैं ऐसे क्लिक करवाए थे तो मुझे अच्छी लगी थी, ठीक है। क्योंकि मेरे को मॉडल ऐसा नहीं मिल रहा था कि जिसके मतलब बाल गीले हैं और ऐसा, इसलिए मैंने मतलब आदिल भाई की छिया हूँ। तो ऐसे मतलब कटआउट कर लिया था मैंने नीचे के साइड से और ऊपर के साइड से मतलब आजू बाजू से। आप लोग ऐसे ही मतलब सीधे मतलब खड़े हो जाइएगा और मतलब ऐसे बाल गीले करके आप लोग क्लिक करवा लीजिएगा, ठीक है। तो वो अच्छे से हो जाएगी एडिट। अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता दीजिएगा, इंस्टाग्राम में आप लोग मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग क्या है सीधे मतलब क्लिक करवा लीजिएगा, ऐसे मतलब पानी में घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोग को, ठीक है। ऐसे फोटो क्लिक कर लीजिएगा, ज़्यादा आप लोग का समय वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो सबसे पहले तो आप लोग क्या करना है, इस बैकग्राउंड को आप लोग डाउनलोड कर लेना है। आप लोग की इस बैकग्राउंड में एडिट हो जाएगी, आप लोग टेंशन मत लीजिए। हम लोग क्या करना है, सबसे पहले तो इसे पिक्सआर्ट ऐप में शेयर कर लेना है। आ चुके हैं हम लोग। इसके बाद क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे टूल्स में आना है, रिसाइज में क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ पे रिसाइज कर लेना है। तो मैंने पहले से करके रख लिया हूँ क्योंकि मतलब ये क्वालिटी कम कर देता है, तो आप लोग को कर लेना है। उसके बाद क्या करना है आप लोग को, ड्रॉ टूल में यहाँ पे चले आना है। तो मैं यहाँ से ड्रॉ टूल में चले आता हूँ अपने, और इसके बाद क्या करना है आप लोग को बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग। और उसके बाद क्या करना आप लोग को, यहाँ पे आप लोग को एम्प्टी यार यहाँ पे बना लेना है। तो पहले मैं पासवर्ड देता था यार, अब नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मतलब मुझे कमेंट आ रहे थे कि यार पासवर्ड में से बन नहीं रहा है, मतलब कई लोगों के मोबाइल में सपोर्ट ही नहीं कर रहा था, ठीक है। तो अब मैं पासवर्ड नहीं दूंगा, ठीक है। तो कुछ स्टेप से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ डन। और इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, कुछ स्टेप से लगा लेना है अपने मॉडल को, ठीक है। कटआउट कर लीजिएगा अगर आप लोग को नहीं मिलता कि कैसे बैकग्राउंड यूज़ करते हैं, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। वैसे नॉर्मल सी बात है आपसे बनी जाता होगा। तो उस स्टेप से आप लोग को ऐड कर लेना है, और यहाँ पर आप लोग को एम्प्टी लेयर, सॉरी यहाँ पर फोटो लेयर बना लेना है आप लोग को। और उसके बाद आप लोग को एक पीएनजी मिल जाएगी, उसे आप लोग को यहाँ पर ऐड लेना है। तो ये मैंने ऐड कर लिया, इसके बाद क्या करना है यहाँ पे कर लेना है डन। डन करने के बाद कुछ स्टेप से आप लोग का हो जाएगा, और इसके बाद आप लोग को अपनी पीएनजी को क्लिक करना है, यहाँ पे आप लोग को इसे ट्रांसफॉर्म कर लेना है। तो बिल्कुल आप लोग को एक एक स्टेप अच्छे से देखना है यहाँ पे, ठीक है। एक भी स्टेप अगर आप लोग मिस कर दिए तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे आप लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा मतलब अगर आप लोग को इरेज करना है, ठीक है, तो आप लोग ऐसे इरेज कर सकते हो। मतलब ऐसे सेव देना है ना आप लोग को पीएनजी में, तो आप लोग दे सकते हो, पर पीएनजी में क्लिक करके आप लोग को यहाँ पे सेव देना है, मतलब इरेजर में क्लिक कर लीजिएगा और ऐसे साइज़ बना लीजिएगा जैसे मैंने यहाँ पे बताया हूँ, और ऐसे आप लोग को क्या है इरेज कर लेना है। और ऐसे मतलब जो है ना जैसे पानी के अंदर में हम लोग रहते हैं, तो उस टाइप से आप लोग को यहाँ पर सेव देना है। और आप लोग के जो नोज़ है ना उसमें कुछ इस टाइप का यहाँ पे मतलब आप लोग कर लेना है बिल्कुल, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। और बिल्कुल आप लोग को आराम से इरेज करना है, अगर आप लोग को नहीं करना है ना तो आप लोग वैसे भी रख सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा आगे पीछे कर लीजिएगा तो मतलब हो जाएगा वो जो पीएनजी आप लोग करोगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को और भी बढ़िया करना था, और इस टाइप से मैंने इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ना देखो यहाँ पर नोज जो रहेगी ना आप लोग की, उसमें थोड़ा सा आप लोग को ऐसे इरेज कर लेना है जैसे कि यहाँ पर मैंने कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे करके आप लोग कर लेना बिल्कुल आराम से और धीरे धीरे बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद करना यहाँ पर भी इरेज कर लेते हैं हम लोग, और इसके बाद क्या करना है आप लोग को बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं साइड से रेस कर लिया हूँ और ये हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग को बिल्कुल आराम से कर लेना है, और भी आप लोग करने तो आप लोग आराम से कर सकते हो। इसके बाद क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे कर लेना है डन। और डन करने के बाद क्या करना है आप लोग को बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो चुका है काम, और इसके बाद क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे अपने ऐड फोटो में चले आना है। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे अपने ऐड फोटो में आने के बाद अपनी जो पीएनजी है उसे फिर से ले लेंगे, और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, आप लोग को एक भी स्टेप को मिस नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे ऐड कर लेते अपनी पीएनजी को जो भी हमने अभी लिए थे, और इसके बाद क्या करना है आप लोग को, इसे आप लोग को ऐसे रोटेट कर लेना, ठीक है। तो रोटेट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर फ्लिप रोटेट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इसे कुछ स्टेप से ऐसे कर लेंगे, पहले तो हम इसे थोड़ा सा चपटा कर लेते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे थोड़ा दबा लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग कर लेना है, और इसके बाद क्या करना है यहाँ पे कुछ ऐसा कर लेना है, और ऐसे ऐड कर लीजिएगा बढ़िया आराम से कर लीजिएगा, जैसे कि हम लोग ये मतलब जो पानी में थोड़ी परेशानी आ रही है आप समझ सकते हो, तो कुछ स्टेप से ऐसे साइड आ रही है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कर लेना है, तो ओपेसिटी भी कम कर लेते हैं इसकी, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं इरेजर में, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इसे इरेज कर लेते हैं, इसका इरेजर यहाँ पे अप्लाई करके, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा यहाँ पे इरेज। और उसके बाद क्या करना है आप लोग को, ब्रश में जाना है, ब्रश में जाने के बाद कुछ स्टेप से ऐसे कर लेना है इसे साइज, और इसके बाद हम लोग फिर से इसको कर लेते हैं अच्छे से कर लेते हैं बिल्कुल साइज़ हमारा, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देते हैं जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो बिल्कुल पानी में आप लोग को ऐसे अप्लाई कर लेना है इसे,
और जिसमें मतलब हमारी जो शैडो है वो पानी में है उस टाइप से लगेगा, तो बहुत ही बढ़िया हमारी एडिटिंग लगेगी। आप लोग और भी मतलब अच्छे से देखिए वीडियो को, बिल्कुल बिल्कुल आप लोग को मतलब स्किप नहीं करना है वीडियो को, वरना आप लोग अच्छे से एडिट नहीं कर पाओगे। तो वीडियो पूरा देखिए अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है, और हम लोग थोड़ा सा और कर लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा अच्छे से बिल्कुल बढ़िया से कर लेते हैं, और उसके बाद क्या करना है आप लोग को बता दूंगा मैं, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक करते बहुत ही बढ़िया लगता है। यहाँ पे डिज़ाइन का साइज़ हम लोग कुछ स्टेप्स रख के थोड़ा सा रेस भी कर लेते हैं, ठीक है। तो राइट साइड में हम लोग को थोड़ा सा रेस कर लेना है, ठीक है, जैसे कि शैडो रहती है वो स्टेप्स आप लोग कर लेना है। तो ये हो चुका है, इसके बाद करना आप लोग को यहाँ पे कर लेना है डन। डन करने के बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पे इसकी ऑपेसिटी भी आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बढ़ा सकते हो, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे आप लोग को जाना है और डन कर लेना पहले तो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे पहले तो डन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाते हैं अपने टूल्स में, ठीक है। टूल्स में आने के बाद यहाँ रिसाइज कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा मतलब जो साइज है वो कम तो नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ टूल्स में आना है और आप लोग को यहाँ पे जाना है स्ट्रेच में, ठीक है। स्ट्रेच में जाने के बाद क्या करना है आप लोग को, आप लोग को यहाँ पे कुछ स्टेप्स है अपने अकॉर्डिंग मतलब साइज़ कर लीजिएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा कर ले रहा हूँ मैं, और यहाँ पे आप लोग को इसे स्ट्रेच कर लेना है थोड़ा सा, मतलब जैसे कि पानी में रहता है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब पानी में मतलब हमारी जो शैडो रहती है उस टाइप से आप लोग को यहाँ पे कर लेना है स्ट्रेच, ठीक है। तो ये मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, तो बिल्कुल आराम से करना है आप लोग को। और इसके बाद क्या करना है आप लोग को, और भी आप लोग करके देख लीजिएगा मतलब आगे पीछे करके, ठीक है। तो अगर आप लोग का मतलब ख़राब हो जाता है ना, तो आप लोग रेस भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। रिस्टोर भी कर सकते हो यहाँ पे इस आइकन में क्लिक करके, अभी बताता हूँ आप लोग को। यहाँ अगर आप लोग को ख़राब हो जाए, ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्या करना है, यहाँ पे अगर वापस मतलब हो नहीं रहा है एंड्रो, तो यहाँ पे रिस्टोर में जाके आप लोग ऐसे रिस्टोर भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था मुझसे, तो ये मैंने ठीक कर लिया यहाँ पे। और इसके बाद क्या करना है आप लोग को बता देता हूँ मैं। तो इसके बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा और कर लेते हैं हम लोग आराम से, तो बिल्कुल आप लोग को जो शैडो रहती है ना पानी में, वैसे आप लोग कर लेना है आराम से। उसके बाद आप लोग कर लेना है डन, ठीक है। डन करने के बाद क्या करना है आप लोग को, अपनी फोटो को यहाँ पे कर लेना है सेव, ठीक है। तो सबसे पहले तो देख सकते हैं मतलब कुछ स्टेप से थी हमारी फोटो, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ऐसा कर लिया हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं बहुत ही मतलब बढ़िया से यहाँ पे इफेक्ट आ जाता है पानी का, मतलब जो शैडो रहती है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे कर लेना है ड्रॉ में क्लिक। ड्रॉ में क्लिक करने के बाद क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे कर लेना है अपनी फोटो को सेव, ठीक है। सेव करने के बाद क्या करना है आप लोग को, यहाँ से चले आना अपने लाइटर मैप में। तो हम लोग पहले से सेव कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे लाइटर मैप में चले आते हैं। तो ये हो चुकी है सेव, तो चले आते हैं हम लोग यहाँ पे अपनी लाइटर मैप में। तो लाइट रूम मैप में आने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे लाइटिंग एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, ऑटो एडिट में कर लिया था क्लिक, ठीक है, ऑटो कर लिया था, जैसे मतलब एडिट कैसी हुई होगी। तो मैंने देखा तो अच्छी नहीं लग रही थी, मैंने बैक कर लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फिर से अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने करा, तो कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा लिया हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट को कर लेते हैं, हम लोग थोड़ा सा बढ़ाते हैं, शैडोज़ को क्या करते हैं बढ़ा लेते हैं, ठीक है। वाइट्स को बढ़ाते हैं और ब्लैक्स को कर लेंगे हम लोग कम। यहाँ पे हम लोग जाते हैं अपने इस आइकॉन में, और इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ मिक्स में क्लिक करके यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ऑरेंज का सैचुरेशन यहाँ पे क्या करते हैं थोड़ा सा हम लोग कम कर लेते हैं। यहाँ पे ल्यूमिनेंस बढ़ा के यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू का सैचुरेशन को यहाँ पे ह्यू को हम लोग कम कर लेते हैं। यहाँ पे सैचुरेशन बढ़ा के ल्यूमिनेंस को बढ़ा लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग करने के बाद वाइब्रेंस को बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इस आइकॉन में जाके शार्पनेसिंग को टेक्सचर बढ़ा लीजिएगा, और क्लियरिटी को बढ़ा लीजिएगा, बिगनेट इफेक्ट कम कर लीजिएगा, फेदर बढ़ा लीजिएगा, मिड पॉइंट बढ़ा लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ग्रीन अमाउंट बढ़ा लेना है, साइज़ को हम लोग थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ओके। इसके बाद यहाँ पे हम लोग शार्पनेसिंग को बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी देख सकते हैं मतलब जो फोटो है हमारी वो बहुत ही बढ़िया लग रही है, और आप लोग अगर आप लोग को इफेक्ट यहाँ पे यूज़ करना है तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया इफेक्ट यहाँ पे हमारी मिलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो लाइट रूम ऐप में बहुत ही बढ़िया बढ़िया इफेक्ट है, तो इसे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और भी इसका जो साइज़ है उसे आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हो, देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जैसे कम ज़्यादा करके आप लोग डन कर सकते हो, पर यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे मैं भी बहुत ही बढ़िया लग रही है हमारी फ़ोटो, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप से थी हमारी पिक्सार ऐप में, और हम लोगों ने यहाँ पे कर ली है अपनी लाइट रूम ऐप में कुछ स्टेप से, देख सकते हो बहुत ही बढ़िया एडिटिंग देख सकते हो। तो ऐसे आप लोग अपनी फोटो को एडिट कर लीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम में आप लोग भेज सकते हो, मतलब टैग कर सकते हो, ठीक है। तो लाइक ज़रूर करूँगा मैं। तो ऐसे सेव कर लेते हैं हम लोग अपनी फोटो को। तो फ्रेंड्स, यहीं तक हमारा वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके साइड का बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पे हमारी फोटो सेव हो चुकी है, तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं डन। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।